हाँ जी, वॉइस चेक करिए फटाफट से, वॉइस क्लियर है आपको? स्टार्ट करेंगे आगे, टू बी कंटिन्यू, एनपीयू को ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। फटाफट वॉइस चेक करिए। हमने क्या कर लिया था? पेपर तो सबका मतलब के हो गया ना, 2 बजे जो पेपर होता है। हाँ, कमी क्या तो डेट शीट तो दे ही रखा है ना? नहीं, चलिए छोड़िए, जब भी आएगा आप देख लेते हैं पहले टॉपिक क्या करने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन करते हैं स्टार्टिंग से। 2 to 2:40, सन्नी रावत का एग्जाम हो चुका है खत्म। चलिए सब्सक्रिप्शन करते हैं हम स्टार्टिंग से। हमने क्या कर लिया इस चैप्टर के अंदर? सबसे पहले हमने बेसिक वाला पार्ट कर लिया, जिसके अंदर स्टॉक कंज्यूम निकालना सीखा, फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीख लिया। अब करेंगे हम सब्सक्रिप्शन। सर, सब्सक्रिप्शन में क्या है? देखो, ये टॉपिक ना बहुत बच्चों का मानना है कि ये थोड़ा सा टफ है। बहुत बच्चों का मानना है कि इसके अंदर ना सब्सक्रिप्शन में समझ नहीं आता करना क्या है। इसको करने का ना एक आसान सा तरीका है। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे कि क्या चीजें क्यों ऐड होता है और क्यों लेस होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में देख लेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हुआ तो इस, यानी टाइप वाइज देख लेंगे। तो सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन में क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, हम वो देख लेंगे। तो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले पहले हम इसको समझ लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है और कैसे काम करता है ये एक्चुअल में। तो सब्सक्रिप्शन बेसिकली जो हमारे एनजीओ है, जिसे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, एनपीओ, इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है ना, वो दो ही होता है। अगर इसको इनकम की कमाने की बात करें ना, तो दो ही हैं। एक ऐसा इनकम है जो कि रेगुलर बेस इनकम है इसका, एक ऐसा इनकम है जो कि रेगुलर बेस है, और एक ऐसा इनकम है जो इररेगुलर है। यानी एक इनकम है रेगुलर और एक इररेगुलर। सर, इररेगुलर इनकम कौन सा है? जो कभी भी कहीं से भी मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड डोनेशन। दूसरा रेगुलर कौन सा है? हम क्या करते हैं, लोगों को इसमें एनरोल करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने का मतलब है, कई बार आप स्कूल के अंदर जाओगे तो एक अप्रोच लगाते हो, जैसे किसी स्कूल में एडमिशन लेना है तो आपका एडमिशन हो ही नहीं रहा या फिर डेट निकल गया, तो आप कहीं ना कहीं अप्रोच लगाते हो। तो अप्रोच नहीं होते हमारे पास ना, जितने भी रेगुलर, हमने एक मान लेते हैं कॉलेज बनाया, ठीक है, कॉलेज भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है। एक कॉलेज बना लिया, अब इस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा, तो नाउ कट ऑफ लिस्ट भी बंद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। तो अब जो है, इस कॉलेज में कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो कि रिजर्व रखी जाती है उनके मेंबर्स के लिए। जैसे कि रेलवे के अंदर ले लो आप, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रेलवे के अंदर सीटें फुल हो जाती है, लेकिन कुछ जो रेलवे के स्टाफ होते हैं उनके लिए अलग से सीट टिकट्स को क्या रखा जाता है? हमेशा रिजर्व। सेम ऐसे इसके अंदर रिजर्व रखा जाता है। कौन? जो कि इस कॉलेज को चलाने में रेगुलर पैसे दे रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो कि कॉलेज में हर महीने या हर साल कुछ ना कुछ पैसा डोनेट करता है, उसको बोला जाता है इस कॉलेज का मेंबर, और दूसरे शब्दों में उसे ट्रस्टी भी बोल देते हैं। हर हॉस्पिटल, हर कॉलेज में ट्रस्टी वाला भी कॉन्सेप्ट आता है। तो सर, कोई व्यक्ति को ऐसा क्या मुसीबत आ गया कि इस कॉलेज में मेंबर बनना चाहेगा? जब लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है और उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है, तो उनको एक ही चीज की बस रहता है कि हम अपने आप को ब्रांडिंग कैसे करें। होता है, नाम चलता है ना कि इसने इतने पैसे वहां दान दिए, तो वो ब्रांडिंग होता है उनको, बस अपने आप को, बस सब चीज तो मिल चुका है। तो
इसी तरीके से बहुत सारे लोग इसमें क्या बन जाते हैं, मेंबर्स। वो मेंबर्स हर बार इसके अंदर पैसे डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन, यानी काइंड ऑफ एक चंदा है, जो कि क्या है, हमारा सब्सक्रिप्शन है। चंदा का मतलब सर एक ऐसा पैसा जो कि रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को मिलता रहता है, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। और इस रेगुलर बेसिस पे जो पैसे दे रहा है उनको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलता है, उनको प्रिविलेजेस क्या मिलता है, वो अपना काम इजीली यहाँ पे करवा सकता है, अपने नाम पे किसी को डिस्काउंट दे सकता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लेते हैं कि महाराजा अग्रसेन में मैं ट्रस्टी बन जाऊं, 1 करोड़ रुपए मैं डोनेशन करके वहां का ट्रस्टी बन गया। अब वहां पे हुआ क्या, कोई भी बीमार पड़ता है मेरे पास आता है कि सर वहां पे मेरा था, तो मैंने बोल रखा है कि अगर कुछ दिक्कत हो तो बता देना, मैं वहां आपके क्या करूंगा, कुछ ना कुछ इंतजाम करा दूंगा। तो अब मेरे पास वहां अथॉरिटी है, मैं ट्रस्टी हूं, मैं उस हॉस्पिटल में ऐसा कर सकता हूँ। आप आए मेरे पास, कोई आया मेरे पास व्यक्ति, बोला सर बीमार थे, वहां का इतना बिल हो गया 1 लाख रुपए। अब जब मैं वहां का मेंबर बना तो मुझे पहले उन्होंने स्लैब लिस्ट लिख के दिया होगा कि भैया अगर आप किसी को रिकमेंड करें तो उसके जो फीस होती है उसको आप 50% कम करा सकते हैं। ये बेनिफिट मुझे था, तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं साइन कर देता हूँ, चले जाओ और वहां बस बोल देना कि इन सर ने भेजा है, साइन कर दिया है, उसकी फीस 50% कम हो गई, 50,000। अब उसके लिए मैं क्या बन गया कि नहीं भाई इनकी तो बहुत ज्यादा एक तरीके से है कि अच्छी खासी पकड़ है मार्केट में। तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, लोगों के पास जब पैसा आ जाता है तो उसको यही चाहिए कि उसके नाम की एक ब्रांडिंग हो। उसी तरीके से यहाँ पे रेगुलर इनकम आता रहता है। कंडीशन यही होता है कि भैया आपको क्या करना है, इसके अंदर इनकम देना है। तो सबसे पहले क्लियर माइंड करो कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उसके पास एक ऐसा इनकम आता है जो रेगुलर बेसिस पे आता है, जिसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, और जो इरेगुलर बेसिस पे आता है उसको क्या बोलते हैं, डोनेशन। तो ये वाला पार्ट सब्सक्रिप्शन है। तो जब सब्सक्रिप्शन आता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, सर क्या जिम्मेदारी बनती है, कि इसको हिसाब किताब भी रखा जाए, इसकी अकाउंटिंग भी की जाए। सर इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, इसकी अकाउंटिंग हम सीख चुके हैं किसमें, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। फंड बेस्ड अकाउंटिंग करा था हमने, उसमें सीख चुके हैं। अब इसकी अकाउंटिंग कैसी होगी, ये हमेशा इसके अंदर, तो डोनेशन तो 2 प्रकार के भी देखे थे, कैपिटल नेचर का हो सकता है, नॉर्मल नेचर का हो सकता है, लेकिन ये जो हमारा सब्सक्रिप्शन है ना, ऑलवेज ये रेवेन्यू नेचर का होगा, ऑलवेज रेवेन्यू नेचर का होगा। अब जब ये रेवेन्यू नेचर का होगा तो अगर मेरे से पूछो सर सब्सक्रिप्शन आता है कहाँ पे है, तो मैं बोलूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, मैं बोलूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यानी सर सब्सक्रिप्शन हमेशा आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। जैसे मैं बोलूँ सैलरी बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा या एसेट्स में आएगा, सैलरी कहाँ आएगा, पी एंड एल में आएगा या एसेट्स में आएगा, ऑब्वियसली बात है पी एंड एल में आएगा। लेकिन अगर वही मैं प्रीपेड सैलरी बोलूँ तो सर एसेट्स में चला जाएगा, अगर आउटस्टैंडिंग बोल दूँ तो लाइबिलिटी में आ जाएगा। यानी सिर्फ सैलरी सर पीएनएल में जाता है, और प्रीपेड बोल दोगे तो एसेट्स में पहुंचा देंगे, और आउटस्टैंडिंग बोलोगे तो लाइबिलिटी में। सेम मैंने सिर्फ सब्सक्रिप्शन बोला तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और सब्सक्रिप्शन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो और भी क्लियर कर देता हूँ। रेवेन्यू नेचर मैंने बोला इसको, तो सर ये सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होता है सर, इनकम। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, इनकम है ना। अब इनकम की खास बात है, मैंने बोला प्रीपेड, प्रीपेड जैसे ही बोला आपने बोला एसेट्स में ले जाऊं, लेकिन वो खर्चा था। इनकम के साथ जो होता है उल्टा होता है, अगर इनकम एडवांस में हम देते नहीं है, इनकम हमेशा एडवांस में हमें मिल जाता है, तो कुछ चीजें समझना होगा। अगर आपको एडवांस में इनकम मिल जाए, जिसे हम एडवांस इनकम बोलते हैं, तो वो दैट इज अब हमारे लिए टेंशन है। अगर एडवांस में हम खर्चा कर दे तो एसेट्स है, और लेकिन एडवांस में इनकम मिल जाता है तो क्या बनता है हमारे लिए, अगर हमारा आउटस्टैंडिंग रहे इनकम, अगर आउटस्टैंडिंग हो इनकम, एसेट्स है, क्या है वो, लेकिन खर्चे के आगे आउटस्टैंडिंग शब्द लगाने के बाद हम उसको क्या मान लेते हैं, लाइबिलिटी। खर्चे जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में चला गया। तो सर ये अगर मैं बोलूं सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, तो मतलब सर
इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाएगा, लेकिन मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा, एसेट्स में जाएगा। पहले ये चीज क्लियर कर लो, क्योंकि हमारे दिमाग में ना एक चीज चला आता है कि आउटस्टैंडिंग का मतलब लाइबिलिटी, और हम जल्दबाजी में लाइबिलिटी में भी कर देते हैं, और फिर मैं बोलता हूँ नहीं ये आउटस्टैंडिंग एसेट्स में आएगा, आप बोलते हो फिर पता नहीं कैसे एसेट्स में, हमने तो अभी तक लाइबिलिटी, इनकम आउटस्टैंडिंग दैट इज एसेट्स, लेकिन एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है। समझ रहे हो बात? ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चैप्टर में। तो सर यहां पे अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बनता है ना हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है ऑलवेज बनता है 12 महीने का। ध्यान दीजिएगा, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं ना, हमेशा बनेगा 12 महीने के लिए। कितने महीने के लिए बनेगा? यानी सर एक साल के लिए। 12 महीने से मतलब, 12 महीने से मतलब करंट ईयर के लिए। जैसे मैं बोलूं ये साइड हमारा कौन सा होगा, एक्सपेंडिचर, और ये साइड होगा इनकम। मेरे छोटे छोटे सवाल का जवाब देना, मैं लिखता जाऊंगा। मैंने कहा सब्सक्रिप्शन 1 लाख, इसका मतलब होता है कि ये 1 लाख रुपए मेरा इनकम है, बात खत्म, और कुछ ज्यादा नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि मैंने कुछ पैसा एडवांस में रिसीव कर लिया है, यानी जो 1 लाख रुपए है इसमें कुछ पैसा एडवांस लिया है, तो भैया जब आप बोल रहे हो कि इसके अंदर कुछ पैसा क्या लिया आपने, तो जब आपने इसमें कुछ पैसा एडवांस लिया है, तो इसका मतलब वेरी वेरी सिंपल कि आपने कहीं आगे साल का पैसा, यानी नेक्स्ट ईयर का पैसा, आपने नेक्स्ट ईयर का जो पैसा होगा वो अभी ले लिया है। यही होगी बात, जो नेक्स्ट ईयर का पैसा होगा वो कब ले लिया आपने, तभी तो बोलोगे एडवांस। तो मैंने बोला इसमें से 5,000 एडवांस लिया है, तो इसका मतलब ये जो आपको 1 लाख रुपए दिख रहा है दैट इज नॉट फॉर 12 मंथ, ये 12 महीने का तो हो ही नहीं सकता अगर ये इसमें 5,000 ले लिया है तो। क्योंकि मैंने बोला 1 लाख मिला, मैंने ठीक है भाई इनकम है, बोला भैया इसमें से 5,000 मैंने एडवांस ले रखा है जो अगले साल में मुझे चाहिए थे पैसे, एक कस्टमर था, एक मेंबर ऐसा था जिसने मुझे अभी दे दिया, तो इसका मतलब ये 12 महीने का बनेगा। तो इसको ठीक करने के लिए आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ क्या करना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए 5,000, और 5,000 जो माइनस किया ये क्या माइनस किया है, जो अगले साल के लिए एडवांस मिल गया, यानी प्रीपेड, जिसको बोल सकते हैं प्रीपेड माइनस हो गया, है ना, प्रीपेड माइनस हो गया। वैसे भी हर बार हम प्रीपेड माइनस करते हैं, यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट आ गया, प्रीपेड क्या हो गया हमारा, माइनस हो गया। लेकिन जब ये प्रीपेड है, प्रीपेड का मतलब एडवांस है, प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एडवांस मिल गया, तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में प्रीपेड हमारा एसेट्स होता था, लेकिन यहां पे क्या होगा, ये अब लाइबिलिटी। अगर मैं बैलेंस शीट की तरफ जाऊं तो टोटल हमें मिल गया 1,95 मिला, सिर्फ ये 95। अगर मैं बोलूं कि एक कस्टमर ऐसा भी था, एक मेंबर ऐसा भी था जिससे कि 15,000 लेने, तो वो दे दिए ही नहीं पैसे, तो भैया फिर ये 12 महीने का नहीं है, क्योंकि 12 महीने का बनता है एक्रूअल बेसिस पे, पैसे मिला हो चाहे ना मिला हो यहां लिखना है। अगर मैं किसी से कैश सेल्स कर दूं 5 लाख का और क्रेडिट सेल्स कर दूं 2 लाख का, तो मैं सेल्स कितना दिखाऊंगा, 7 लाख, पैसे बाद में बैड डेट्स हो जाएंगे, मैटर नहीं करता, लेकिन अभी हमारे साथ। मैंने कहा कि भैया एक से व्यक्ति से पैसा मिला ही नहीं है, तो भाई जोड़ दो, नहीं मिला तो आज नहीं तो कल देगा। कितने नहीं मिले, मैंने बोला 15,000 नहीं मिला, तो दैट इज आपका कितना आ जाएगा, ये 1,10,000। तो ये पैसा मिला नहीं है, मिला नहीं का मतलब इसे मैं आउटस्टैंडिंग बोल दूं मैं। आउटस्टैंडिंग हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, इनकम हो आउटस्टैंडिंग तो एसेट्स होता है, तो ये आउटस्टैंडिंग बन के जुड़ गया। तो पहले ये देखो कि जब कभी भी सब्सक्रिप्शन का फंडा आता है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रीपेड जैसे माइनस करते थे माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग जैसे ऐड होता था वो, ये बात तो ध्यान रखना है, यानी कोई चेंज है ही नहीं। ठीक है, समझ में आई बात आपको यहां तक? अब सर मुद्दे की बात आती है, कभी ना कभी हम जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो कहानी क्या होगा। अगर जब हम नेक्स्ट ईयर में पहुंचेंगे, ध्यान देना आप बात को, अगर मैं जब नेक्स्ट ईयर में पहुंचूंगा
जब मैं जाऊंगा नेक्स्ट ईयर के अंदर, तो यहां पे भी मैं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब मेरे पास मान लेते हैं रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन 2 लाख रुपए। ठीक है, अब मुझे पास 2 लाख, देखिए वर्ड को समझना है, मैंने बोला मेरे पास रिसीव हुआ 2 लाख। अब मुझे बताना कि जो पिछली बार ये एडवांस दे चुका था मुझे एडवांस, क्या मुझे फिर दोबारा उसने इस साल में दिया होगा? नहीं। अगर मैं उससे मांगने जाऊंगा बोलेगा पिछले साल तो मैंने, तो इसका मतलब सर उसका पैसा जो कि इस साल का मेरा, ये वाली जो इनकम है ना, ये किस साल की इनकम है जो कि इस वाले टोटल में तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अब क्या करना चाहिए आपको इसके लिए? सिंपल सी बात है, इसको ऐड कर देंगे हम। लेकिन 5,000 जो आपने ऐड किया ये क्या था सर? एडवांस या प्रीपेड? लेकिन वो इस साल का एडवांस नहीं है, वो कौन से साल का एडवांस है सर? लास्ट ईयर का एडवांस है। इसके बाद चलो ठीक है, 2,05,000 की कहानी समझ में आया। मैंने बोला यार इस साल भी कोई एक व्यक्ति ऐसा था पता नहीं जो कि मुझे 20,000 रुपये एडवांस दे गया यार। इस साल एक ऐसा व्यक्ति मिला जो कि एडवांस दे गया हमें नेक्स्ट ईयर के लिए 20,000 रुपये। मैंने कहा अरे नेक्स्ट ईयर के लिए दे गया 20,000, तो इसका मतलब सर यहाँ पे जो 20,000 नेक्स्ट ईयर का था तो नेक्स्ट ईयर इनकम में जोड़ेंगे ले जाके। जैसे कि यहाँ पे ये 5,000 रुपये इनकम इस साल के लिए है, अगले साल के लिए था, तो देखो अगले साल की इनकम में जाके जोड़ा ना मैंने। सेम यहाँ पे जो अगर मुझे पैसा मिल रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो नेक्स्ट ईयर के इनकम में जोड़ेंगे। लेकिन वो इसके अंदर जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि पैसा रिसीव करना दैट इज नॉट इनकम। अगर सिर्फ पैसा रिसीव करना इनकम हो जाता तो जितने लोन लेते सभी इनकम होता, समझ रहे हो? तो पैसा रिसीव कर लिया लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं हो, तो मैं यहां क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। मैंने बोला कितने सर? 20,000। लो जी माइनस कर दिया, बचे कितना? 185। तो सर ये भी एडवांस है, ये भी क्या है, लेकिन ये एडवांस अभी है, करंट में आगे के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना? यानी करंट में कहां के लिए दे रहे हैं हम? नेक्स्ट ईयर के लिए। तो एडवांस सर माइनस भी कर रहे हो और प्लस भी कर रहे हो, लेकिन इसमें समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? अगर पिछले साल का एडवांस है तो इसी साल के लिए था ना वो, तो उसे एड ऑन करो। और जो आप इस साल रिसीव कर रहे हो एडवांस, तो दैट इज नॉट दिस ईयर, ये कब के लिए होगा, उसको माइनस करो। यानी सिर्फ एडवांस देख के आपको जोड़ या घटा नहीं करना, आपको समझना होगा कि वो एडवांस कब के लिए था, समझ रहे हो बात को? सेम ऐसे अगर देखा जाए तो मैं आउटस्टैंडिंग बोलूं तो पिछली बार का आउटस्टैंडिंग था कितना? पिछली बार का आउटस्टैंडिंग था 15,000। अब मैं बोलूं भैया पिछली बार का आउटस्टैंडिंग अब मैंने रिसीव कर लिया है, ये 15,000 रुपये मुझे रिसीव हो गया है, तो सर 15,000 रुपये अगर आपको ये रिसीव हो चुका है, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि रिसीव का मतलब सर इसी में जुड़ा होगा ना, टोटल रिसीव है ये, तो मैंने बोला 15,000 का पिछला भी मिला है, तो भैया पिछला मिला है तो इस साल का तो इनकम है ही नहीं, वो इनकम आप पिछले साल मान चुके हो प्लस करके। अगर इस साल भी हम प्लस कर दे दोबारा या प्लस रहने दे इसी के अंदर, तो दो बार मान चुके हो एक इनकम को, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, लेस कर देना पड़ेगा 15,000। तो अब मेरा बचा 1,70,000। यानी सर ये जो था आउटस्टैंडिंग था ये क्या था, यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग को हमें जब मिलता है पैसा, तो वो जिस साल का आउटस्टैंडिंग होता है इनकम उसी साल का कहलाता है, जिस साल मिलता है उस साल का इनकम कभी भी, तो उस साल माइनस कर दो। मैंने बोला अभी भी यार 5,000 लेने ना किसी से बाकी है, तो 5,000 लेने बाकी है, वो पिछले साल के लेने बाकी है अभी के, दोनों हो सकते हैं वो बात। मैंने बोला सर इस साल के लेने बाकी, तो बोला कोई बात नहीं इस साल का आप क्या करो इसमें 5,000 रुपये प्लस कर दो। तो आप ध्यान से कहानी देखोगे ना, तो अगर मैं डेट की बात करूं, हम काम कर रहे हैं मान लेते हैं 2010, ये कितना लिख दिया मैंने, 2020, 2021 और 2022, ये 3 साल है। अगर मैं अकाउंटिंग करने बैठा हूं सर इस साल के लिए, अगर मैं अकाउंटिंग करने बैठा हूं, तो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर कोई पिछले की बात करें तो ये माना जाएगा ओपनिंग, और ये वाला माना जाएगा हमारा नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग, और करंट ईयर को भी माना जाएगा क्लोजिंग। यानी मैं बोलूं कि पिछले साल वाला पैसा मैंने अभी जोड़ दिया है,
पिछले साल मुझे एडवांस मिला था, तो सर एडवांस जो था पिछले साल का, तो उसे सिंपल नहीं बोलेंगे कि एडवांस हमने ऐड कर दिया, हम उसे बोलेंगे ओपनिंग एडवांस ऐड किया है। जैसे यहाँ पे आपने ऐड किया है, तो कौन सा एडवांस ऐड किया भाई? पिछले साल का। तो पिछले साल के आगे नाम कौन सा एडवांस लग जाएगा? ओपनिंग लग जाएगा। आपने क्या करा फिर यहाँ पे, एडवांस क्या करा? माइनस कर दिया 20,000। कौन से साल के लिए एडवांस माइनस किया है? जो कि नेक्स्ट ईयर में है, तो उसको नाम देंगे क्लोजिंग। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आपने माइनस कर दिया, कौन से वाला पैसा था ये? पिछले था, ओपनिंग। और सेम आपने यहाँ पे 5,000 रुपये प्लस कर दिया, जो इसी साल का बकाया था, वो कौन सा हो जाएगा? क्लोजिंग। यानी यहाँ पे सर चार बातें आ गई, एडवांस भी दो तरीके के और आउटस्टैंडिंग भी, जो पिछले साल से रिलेटेड है उसे ओपनिंग, बाकी सारा क्लोजिंग हो जाता है। चलो और भी एग्जांपल लेते हैं, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो फिर ठीक नहीं रहेगा। अगर मैं फॉर्मेटिंग करूं इसकी, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर इसकी हम फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको दो तरीके से दिखाया जा सकता है, ध्यान देना, मैं दोनों कर दूंगा। इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट, कई बार अकाउंट फॉर्म बनाने को आ जाता है, और कई बार ये, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बात एक ही कह रहा है। मान लेते हैं अमाउंट है पर्टिकुलर, तो यहां पे आ जाता है हमारा सर जो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, सर सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन। यहां पे क्या आ जाएगा सर? यहां पे मैं लिखूंगा टोटल रिसीव, जो भी टोटल रिसीव होगा, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट लग जाएंगे सर। सर क्या एडजस्टमेंट लगेगा? कुछ चीजों को इसके अंदर ऐड किया जाएगा, कुछ चीजों को इसमें, दो चीजें बेसिकली ऐड की जाएगी। एक किया जाएगा हमारा ओपनिंग, ओपनिंग एडवांस, और एक किया जाएगा क्लोजिंग। आउटस्टैंडिंग, और दो चीजों को लेस कर दिया जाता है, इफ अगर है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है सर। क्या चीज? क्लोजिंग। क्या होगा क्लोजिंग? और होगा हमारा ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग, और क्या होगा? ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग। फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा, दैट इज शो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो फाइनल आंसर आएगा उसे क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ज्यादातर बच्चों की सबसे बिगेस्ट मिस्टेक रहती है इस चैप्टर को सीखने में, कि एड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा। ये समझ लेते हैं, आप इस चीज को समझना। देखो जरूरी नहीं है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग देखते ही आप टूट जाओ उसको ऐड करने के लिए या माइनस करने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं होता। आप समझिए, हाँ ओपनिंग माइनस होगा, इधर देखिए, ठीक है। चलिए अब बड़ी बेसिक सी बात है सर, हम क्या समझते हैं? जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, देखिए हर एक का मैं एग्जाम्पल बनाता जाऊंगा और कैटेगरी भी लिख दूंगा। मैंने लिखा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव ₹2 लाख। तो सर इसका मतलब ये सब्सक्रिप्शन जो आपने रिसीव किया है, ये 2 लाख रुपए का किया है। लेकिन अब मैं ब्रैकेट में कुछ लिखने जा रहा हूं, मैंने ब्रैकेट में लिखा इंक्लूड, इंक्लूड 20,000 फॉर लास्ट ईयर एंड 10,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। यानी जब सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलता है ना, पैसा मिलता है, इंक्लूड होता है, तो दो ही चीज के पैसे मिलते हैं, एक अगले साल के लिए पैसा मिलता है और एक पिछले साल का बकाया मिलता है। और दो ऐसी चीजें एडलेस होती हैं जो कि पैसा मिलता ही नहीं है, जैसे इस साल का आउटस्टैंडिंग, क्या वो मिला होगा?
फिर भी हम उसे ऐड करते हैं ताकि इनकम उतने तक लेवल तक ले जा सके। पिछले साल का एडवांस क्या इस साल मिला होगा? अगर पिछले साल का एडवांस इसी साल मिल जाता जो कि इस साल के लिए था, तो एडवांस ही नहीं होता वो। तो दो पैसे होते हैं जो मिल जाता है, और दो पैसे ऐसे होते हैं जो नहीं मिलता। ये दो पैसे हैं जो कि हमें मिल चुका है, और मिलने के बाद इसके अंदर इंक्लूड हो गया, और ये दो पेमेंट ऐसी है जो कि इस साल से बिलोंग भी नहीं करता। मैंने बोला एडवांस है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इस साल से बिलोंग ही नहीं करता, दैट्स वाई हम माइनस कर रहे हैं। मैंने कहा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग मिल गया है, इस 2 लाख में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये इस साल के इनकम से बिलोंग, इसलिए हम इसको माइनस कर देते हैं। तो ये दोनों चीजें माइनस हो जाएंगी इसमें से, और जो आउट पिछले साल वाला है जो कि इसके अंदर है ही नहीं, वो तो ऑलवेज ऐड होना ही होना है, उसके अंदर कुछ भी नहीं देखना। लेकिन समझने वाली बात यह है, आप यहां पे एक चीज ये ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान से देखना है सर इसके अंदर? इसके अंदर आपको ध्यान से देखना है कि मैंने कहा कि इसमें इंक्लूड 20,000 है, और मैंने ये कहा इसके अंदर इंक्लूड 10,000 है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि इसके अंदर अगर 20,000 पिछले साल का इंक्लूड है, तो पिछले साल का बाकी भी 20 ही होगा। इस लाइन से तो यही क्लियर होता है कि भैया 2 लाख में सिर्फ 20,000 रुपए इंक्लूडेड है। मैं बोल दूं कि लास्ट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग ये लाइन डाल दिया मैंने, क्या समझोगे पिछले साल का कितना बाकी था और मिला कितना है हमें? तो हम जो एड लेस करते हैं इसमें, जो चीज इसमें एडिड है उसी को करते हैं। अब मैं पूछूं तो ये बोलोगे सर ये क्या है सर, तो आपका जवाब आएगा सर ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। मैं पूछूं ये क्या था फिर पिछले साल का इंक्लूड था लास्ट ईयर का, तो सर लास्ट ईयर का पैसा मिला है, तो इसका मतलब ये भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। अब बच्चे ये नहीं समझते, उनको बस ये देख लेते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो माइनस होता है, बस ये समझ लेते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, बात खत्म। बच्चे यहां पे फंस जाते हैं, सर अब 25 माइनस करें कि 20 माइनस करें, फंसते यहां पे है। तो आपको लॉजिक लगाना है भैया, जो जुड़ा होगा वही तो माइनस करेंगे, तो देखा जाए तो कायदे से कितना माइनस होना चाहिए? सिर्फ 20,000 माइनस होना चाहिए। समझ रहे हो बात को आप? क्योंकि जितना एडिट है वही तो हम एडजस्टमेंट मारेंगे, जो एडिट नहीं है उसको क्या करना। तो सबसे मेजर इश्यू इसमें आता है कि आउटस्टैंडिंग लेस जो लिखा हुआ है, तो ये मत समझना कि आउटस्टैंडिंग शब्द लिखा हुआ है और आपने सीधा उठा के माइनस कर दिया, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आपको ये भी चेक करना होगा कि कितना पार्ट उसमें एडिड है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग के आउटस्टैंडिंग इसमें एडिड है या नहीं है, तो इसका मतलब बहुत सीधी सी बात है सारा आउटस्टैंडिंग एड है। अगर मैं यहां से ये वाला लाइन हटा दू, अगर मैं ये वाली लाइन यहां से क्या करूं हटा दू, तो अब बताओ ये लो हटा दिया, अब बताओ इसके अंदर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यही है, तो आप माइनस भी यही करोगे। आपको दिमाग लगाने के लिए क्वेश्चन में कुछ हिंट ही नहीं है कि टोटल कितना था और ये कितना है, यही मानेंगे टोटल ही है और इसी को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। समझ रहे हो बात को आप? प्रीपेड जो होगा वो कभी भी नहीं बोलेगा कि थोड़े मिले हैं थोड़े बाद में मिल जाएंगे। प्रीपेड तो एक अमाउंट दे रखा है, वो तो माइनस होना है। जो बच्चा फंसता है वो कहाँ फंसता है? पिछले साल का जब आउटस्टैंडिंग रिसीव हो रहा होता है ना, तो वो गलती कर जाता है कि दो दो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है तो क्या करें। और पिछले साल के प्रीपेड में तो टेंशन ही नहीं है भैया, प्रीपेड था डायरेक्ट उसे ऐड करो। यानी ये दोनों बातें देख रहे हो, दोनों माइनस होने वाली है, और जो दो बातें ऐड होने वाली है इसमें कभी भी बच्चा गड़बड़ी नहीं करता। ये जो दो बातें ना ऐड होने वाली, इसमें कभी भी बच्चा गड़बड़ी नहीं करता, क्योंकि भैया इसमें क्लियर मेंशन होता है ओपनिंग एडवांस है, पिछली बार का एडवांस है। इसमें तो सोचना ही नहीं है कितना इंक्लूड है कितना नहीं है, क्योंकि ये ओपनिंग एडवांस कभी जुड़ा हुआ होगा ही नहीं, सीधा ऐड कर देना है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो सोचना ही नहीं है इसमें क्या करना है, भैया इस साल का नहीं मिला, सीधा उठा के क्या करो ऐड कर दो। समझे बात? तो यहां पे ये सावधानी रखना है दो बातों का कि सर हमें अगर एडवांस या आउटस्टैंडिंग देना, तो जो चीजें इंक्लूड होता है उसी को सब्सट्रैक्ट करते हैं, बाकी को नहीं करते। हाँ, अगर आपका उसमें बोलता रह जाए एडवांस इतना है या आउटस्टैंडिंग इतना है, उससे फर्क नहीं पड़ता, और वो भी सिर्फ एक वाली बात में, इस वाली बात में, बाकी सब तो नॉर्मल देगा आपको। इसी क्वेश्चन को कई बार कह दिया जाता है, आप एक काम करो ना, इसको ना अकाउंट बना के सॉल्व करो,
सर अकाउंट बना के सॉल्व करने का मतलब, यानी हमें एक अकाउंट प्रिपेयर करना होगा लेजर टाइप। जी हाँ, बोला जाता है लेजर बना दो आप, तो लेजर बनाने से आसान हो जाता है काम, लेकिन बच्चे इसको ना थोड़ा सा मुश्किल समझ लेते हैं। देखिएगा, क्योंकि एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर हम टाइप पे भी आ जाएंगे, और फिर साथ के साथ हम चलिए सर, ये बन गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अमाउंट अमाउंट एक सवाल ये भी आएगा, सर इतना सारा सीख क्यों रहे हैं ताकि हम ये निकाल पाए। सर ये निकाल के करेंगे ताकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करेक्ट इनकम को दिखा पाए। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्यों बना रहे हैं, वहीं से तो प्रॉफिट निकाल के बैलेंस शीट में ले जाएंगे। अगर मैं बोलूं P&L क्यों बना रहे हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बना रहे हो, भाई प्रॉफिट कहां से निकलेगा फिर, और प्रॉफिट का क्या करोगे भाई, बैलेंस शीट में ऐड नहीं करेंगे क्या? तो सीधी सी बात है, सब एक दूसरे से क्या आपस में कनेक्टेड है। तो ये समझना, ये क्यों सीख रहे हैं। सर अकाउंट बनाने में ना, सब्सक्रिप्शन की मैं बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया सब्सक्रिप्शन में भी लाइबिलिटी और में भी एसेट्स कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा क्या है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं टू बैलेंस बीडी, तो आप बताओ मैं एसेट्स मान के बैलेंस बीडी लिख रहा हूं या लाइबिलिटी मान के, क्योंकि एसेट्स का ही टू बैलेंस बीडी होता है। अगर सेम मैं यहां पे लिखूं बाय बैलेंस सीडी, तो बताओ ये एसेट्स है या लाइबिलिटी है। एसेट्स ही है, अगर बीडी इधर है तो एसेट्स है, और बीडी का सीडी अपोजिट साइड आता है। यानी आप बोल रहे हो सर ये एसेट्स क्या है, तो वेरी सिंपल, यानी आप कहना चाहते हो सर ये आउटस्टैंडिंग है और ये क्या है हमारा, यही बोलना चाह रहे हो आप, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ही हमारा एसेट्स होता है, अभी देखा था। यानी आपने बोला सर इधर से स्टार्ट करोगे तो आप एसेट्स लिख रहे हो, इसलिए एसेट्स। मैंने बोला ठीक है सर इधर से बीडी में एसेट्स आता है, तो सब्सक्रिप्शन में कौन से वाले लिखूंगा मैं, यहां ओपनिंग तो लिखूंगा मैं, लेकिन एडवांस वाला लिखूंगा या आउटस्टैंडिंग वाला लिखूंगा। आउटस्टैंडिंग वाला लिखेंगे क्योंकि एसेट्स तो आउटस्टैंडिंग वाला ही होता है। अगर मैं इस साइड लिख दूं बाय बैलेंस बीडी, तो इसका मतलब सर मैं क्या मान रहा हूं, अभी मैं लाइबिलिटी मान रहा हूं, और इधर लिख दूं मैं टू बैलेंस सीडी, तो मैं क्या मान रहा हूं सर, अगेन मैं लाइबिलिटी मान रहा हूं। समझ रहे हो क्या मान रहा हूं मैं सर, अगर ये आप लाइबिलिटी मान रहे हो तो इसका मतलब ये सब्सक्रिप्शन जो रहा होगा ये वाला कौन से वाला होगा, और ये भी कौन सा होगा। पहले तो ये समझिए, आप दोनों तरफ बैलेंस बीडी देख के घबराने की जरूरत नहीं है, वो उसके नेचर के अकॉर्डिंग है। जो इधर से बैलेंस बीडी है वो एसेट्स है, इधर से बैलेंस बीडी है लाइबिलिटी है। आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा, बैक लेके चलता हूं, इस तरीके का अकाउंट हम पहले भी कर चुके हैं, हम सिर्फ पहली बार नहीं देखा है। नहीं दोनों साइड बीडी देखा था और दोनों साइड इधर एडवांस था, क्योंकि ये खर्चा था, प्रीपेड एक्सपेंस था, इसलिए इधर आ गया, और आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर था तो लाइबिलिटी। तो मतलब काइंड ऑफ सेम ही है। मैंने कहा जब घटेगा ना इधर से पेमेंट कर देना, क्या होगा, घट जाएगा, और इधर से आप पेमेंट अगर इधर दिखाओगे तो बढ़ जाएगा। सेम अकाउंट की मैं बात करूं तो अगर मैं पैसे रिसीव करने की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं मेरे पास पैसे रिसीव होंगे, तो रिसीव होने का मतलब बढ़ेगा ये, ठीक है ना, और पेमेंट करने का मतलब घट जाएगा। तो अगर मैं यूज करूं, सपोज करो मैं यहां पे दो चीजें होगा, एक तो हमें मिला होगा पैसा रिसिप्ट एंड पेमेंट से, ठीक है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट से क्या हुआ होगा, पैसा मिल गया होगा।
अब रिसिप्ट एंड पेमेंट से पैसा मिलेगा हमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ जाते हैं, अकाउंट को भी ले लेते हैं एक बार को, ताकि आपको जर्नल एंट्री करके पोस्टिंग करने में भी आसानी हो जाए। ये मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रिसिप्ट में इधर लिखा होगा मैंने सब्सक्रिप्शन, करेक्ट? तो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जाके क्या लिखेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाके लिख रहे हैं टू सब्सक्रिप्शन, यानी पैसा मिलेगा तो मैं क्या करूंगा सर? मैं एंट्री जो करने वाला हूं ना, मैं करने वाला हूं सर बैंक में मिला है ना, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में अगर मैं चला जाऊं तो लिख रहा हूं टू सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जब मैं जाऊंगा तो बाय, यही तो आएगा बाय साइड में, तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। तो जितना पैसा हमें मिलेगा तो बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट, सर समझा नहीं ये बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट? भैया टोटल रिसीव, सर टोटल रिसीव का मतलब इस वाले एग्जाम्पल से बता दो तो 2 लाख रुपए, इस वाले एग्जाम्पल से बता दो तो कितना? 2 लाख रुपए। अब आप थोड़ा सा इस अकाउंट को ही फोकस करना, सर ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है? अब चलो इधर की साइड देखो, मैं इधर कॉलम डाल देता हूं, इधर देखो, फोकस करना इस पे, आपको लगेगा ए यार इसी को, यही चीज तो घुमा फिरा के बता दिया है। हम क्या चीजें इसमें क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। देखिए ऐड क्या कर रहे हैं हम, टोटल रिसीव इधर आ गया, ऐड हो गया ओपनिंग एडवांस, तो सर ओपनिंग एडवांस क्या, ओपनिंग एडवांस के बाद हमारा क्या ऐड हो गया इसमें? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट, टोटल रिसीव इधर आएगा ये, एक मिनट, ये थोड़ा सा इसको, नहीं 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 इधर आएगा, इधर टू रिसिप्ट एंड पेमेंट और टोटल रिसीव, ठीक है? अब ध्यान देना, आपने क्या करा, बैलेंस बीडी, पहले टोटल रिसीव यहां लिख दिया, इसमें दो चीजों को ऐड कर रहे हो, आप ध्यान से देखो तो क्या क्या ऐड कर रहे हो, ओपनिंग एडवांस ऐड होगा ना ओपनिंग, अरे सही था सही था सही था सही था, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा, बस ठीक है ठीक है। ये क्या है, ओपनिंग ऐड हो रहा है इसमें इधर, और क्या ऐड हो रहा है, क्लोजिंग, ये क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग का सीडी यानी क्लोजिंग, ये तीन बातें ऐड हो रही है इधर, इस स्टेटमेंट में भी देखो ये तीन बातें ऐड हो रही है, दो चीजें माइनस हो रही है, तो अगर इसमें से मुझे माइनस करना है तो इसके किस साइड दिखा देना है, अपोजिट साइड, तो ये दोनों चीजें अगर अपोजिट में आ गया तो ऑटोमेटिक क्या हो गया आपका, माइनस। अब जब इन सभी को जोड़ के इसको माइनस करके तो हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, तो यहां जो भी डिफरेंस आ रहा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये बन गया अकाउंट के फॉर्म। और मैं कहूं तो मेरे को अकाउंट वाला जो है ना, ये जिस बच्चे को समझ में नहीं आता ना वो इजीली इसको ग्रैब कर सकता है, बीडी बीडी सीडी लिखना है चारों तरफ, जितना पैसा मिला इधर लिखेंगे ये आ जाएगा, उठाकर डाल देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सोचना ही नहीं ओपनिंग एड क्लोजिंग लेस ये सब वगैरह। लेकिन यहां पे भी प्रॉब्लम तब आ जाएगा जब रिसिप्ट एंड पेमेंट में, जैसे मैंने बताया था कि 20,000 में से टोटल आउटस्टैंडिंग हमारा रहा है 25,000, तो अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में 25,000 दिखाएंगे तो गड़बड़ी आ सकती है, वो चीजें मैं क्वेश्चन करके दिखा दूंगा कि कैसे कैसे फर्क आएगा, पहले तो आप बेसिक समझो, ये वाला समझ में आ रहा है, यानी इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस तीन चीजों को इसमें जोड़ा गया तो इसमें भी तीन चीजों को जोड़ के दो चीजों को घटा के ही निकाल दिया गया, यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। अब सवाल आपसे क्या है कि अगर आपके पास टोटल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, टोटल का मतलब ये वो सब्सक्रिप्शन है जो कि इकट्ठा मिल गया, इसके अंदर पिछला भी कुछ आ गया है, अगला भी कुछ आ गया है, तो ऐसा करके कुछ है, तब तो आपको माइनस प्लस करना पड़ रहा है। मैं अगर बोल दूं आपसे कि भैया मैं जो सब्सक्रिप्शन ये लिख रहा हूं ना वो इसी साल का है, ज्यादा दिमाग मत दौड़ा, वो इसी साल का है,
तो फिर आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, वो किसी काम का नहीं है। सिंपल सी बात है, वो किसी काम का है ही नहीं, क्योंकि हम माइनस प्लस क्यों कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ये इस साल का, उसमें कुछ चीजें एडजस्टमेंट करनी है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ये इसी साल का है, सिर्फ इसी साल का है, दिमाग मत लगाओ, मैं बोल रहा हूं कि हमारा जो है मतलब कि पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग रिसीव भी हुआ है, लेकिन वो इसमें नहीं जुड़ा, अलग से कहीं लिखा है मैंने, तो उसको माइनस करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब सर, इसके अंदर कुछ टाइप भी आ जाएगा। एक तो ये वाला है जो कि हमने देखा, ठीक है, यानी आपको जब टोटल सब्सक्रिप्शन दे रखा है, तो अगर मैं जाऊं यहां पे आपको और एक्सप्लेन करने के लिए इसको, तो बहुत सिंपल सी बात है, सब्सक्रिप्शन को ना कुछ कैटेगराइज कर देते हैं, सब्सक्रिप्शन को हम कैटेगराइज कर देते हैं। सर कैटेगराइज कैसे करेंगे? एक समझ में आ गया तो आपको बाकी कैटेगराइज समझ में आ जाएगा, और जब भी इसका सॉल्यूशन करोगे ना, इसी पॉइंट को माइंड में रख के करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो कोई पॉइंट याद नहीं रखना, आप ओरली कर सकते हो उसको एक जगह। तो तब कैलकुलेशन होता है व्हेन टोटल सब्सक्रिप्शन गिवन, जब आपको टोटल सब्सक्रिप्शन दे देना, टोटल का मतलब व्हाट, समझो बातों को, टोटल का मतलब क्या, इसी साल का है क्या या सब कुछ मिला के है, तो इसके अंदर एडजस्टमेंट सारे लगेंगे। तब जो हमने ये सीखा है, वो वाले फॉर्मेट यहां अप्लाई होगा, ये वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो। लेकिन मैं बोलू सब्सक्रिप्शन रिसीव ईयर वाइज, अब मैं सब्सक्रिप्शन रिसीव बता रहा हूं ईयर वाइज, सर एग्जाम्पल ईयर वाइज कैसे रिसीव होता है, जैसे एग्जाम्पल देखना, मैंने कहा 2010, 2011 और 2012, मैंने कहा 5,000, 25,000 और 2,000, और आपको बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना शो होगा। 4 2011, फॉर 2011, यानी आपको अलग अलग साल का सब्सक्रिप्शन दे रखा है, अलग अलग साल का आपको सब्सक्रिप्शन दे दिया, 10 का दे दिया, 11 का दे दिया, 12 का दे दिया। अब मुझे बताओ जो 10 वाला सब्सक्रिप्शन होगा रिसीव, हम रिसीव जो है ना, ये सारा का सारा, एक सेकेंड, ध्यान से समझना, टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन समझ में आ गया तो फिर कोई भूल नहीं पाओगे, और फिर अगर आपने इसको छोड़ दिया ना, फिर लाइफ टाइम तक यही रह जाएगा, ये नहीं आता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2011 का बताना है, मैंने बोला ये टोटल सब्सक्रिप्शन है, ये टोटल सब्सक्रिप्शन 2011 में रिसीव हुआ है, यानी सर जो मैं डिटेल दे रहा हूं, फिर से आप कहानी को उलझा रहे हो। जब टोटल सब्सक्रिप्शन 2011 में, मैंने बोला टोटल है ना, टोटल सब्सक्रिप्शन 2011 में रिसीव जो है वो है हमारा 25 और 5 30 और 2 32। अगर मैं ये 32,000 उठा लेता हूं, तब तो मुझे इस कहानी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि 32,000 का मतलब सर ये टोटल है, इसमें मुझे ये वाला माइनस करना पड़ेगा और ये वाला भी। लेकिन अगर मैं पिकी ये कर लूं, तो मुझे कोई भी माइनस प्लस, क्योंकि उसी साल का दे रखा है, उस साल का बना रहे हैं हम, तो ये हो गया ईयर वाइज डेटा। तो आपको डेटा दो तरीके से मिल सकता है, एक तो मिल सकता है ईयर वाइज के फॉर्मेट में, जिसमें से हम सिर्फ बीच वाला सब्सक्रिप्शन को क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे, बात ही खत्म। और इस वाले में अगर डेटा दे रखा हो, तो हमें बीच वाला सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल होता, बस वो कह देता है इंक्लूड इन दिस दिस, तो ये तो टोटल ही है ना भाई, तो इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा। अब चाहे कॉन्सेप्ट कोई भी हो,
कॉन्सेप्ट कोई भी हो, दो चीजें तो ऐड होंगी जो कि रिसीव से रिलेटेड ही नहीं है। सर दो चीजें ऐड हो रही है जो रिसीव से रिलेटेड नहीं है। ओपनिंग एडवांस, क्या रिसीव हुआ होगा? ओपनिंग एडवांस का मतलब पिछले साल एडवांस मिल चुका है, क्या इस साल मुझे मिला होगा? फिर भी ऐड कर रहे हैं ना, तो ये रिसीव से रिलेटेड ही नहीं है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का पैसा मुझे रिसीव हुआ होगा? फिर भी ऐड हो रहा है। तो दो चीजें तो ऐसे हैं, रिसीव नहीं अगर हो रहा है और एक नहीं हो रहा रिसीव, पैसे के टर्म्स में नहीं आ रहा, फिर भी एडिट करना ही करना है चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो। तो सेम अगर यहां पे देखा जाए, तो जब इस टाइप का पैटर्न बनता है तो हमारा सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट होता है? सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट होगा सब्सक्रिप्शन, और यहां मैं लिख देता हूं करंट ईयर का ले लेंगे, और इसमें दो चीजें ऐड कर देंगे बस। क्या ऐड कर देंगे? ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इस बात को समझिए आप कहते हो सर मैं इस वाले में ना पिछले वाले तरीके से करना चाहता हूं तो कर सकता हूं? जी हां, फिर आपको ये डेटा पिक करना होगा, तब फिर दो चीजें माइनस भी हो जाएंगी। अगर आपने 32,000 पिक किया तो दो चीजें माइनस भी करनी पड़ेगी, क्या? ओपनिंग एडवांस नहीं और आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ये क्या है हमारा पिछले साल का मिला है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा नहीं, और ये अगले साल के लिए मिला है तो क्लोजिंग, तो ये होगा। तो डेटा आप समझना, अगर आपको टोटल के फॉर्मेट में दे रहा है तो आपको क्या लेके चलना है? सर टोटल के फॉर्मेट में दे रहा है तो सब्सक्रिप्शन आपको गिवन है सर टोटल के फॉर्मेट में, तब तो आप यहां पे ये लिखोगे इसमें दो चीजों को ऐड तो करना ही करना है चाहे कोई भी केस हो। सर क्या दो चीजें? ओपनिंग आपको एडवांस और आपको क्लोजिंग, और दो चीजें बस इसमें माइनस और हो जाएगी जो कि आपने रिसीव कर लिया है, क्या? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग, जो कि मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूं। मैंने अभी जल्दी जल्दी तो लिख दिया, लेकिन पीछे हम समझ चुके हैं क्या करने वाले हैं। यानी सर इस फॉर्मेट में डेटा गिवन हो, दैट्स इट, और इस फॉर्मेट में डेटा गिवन हो, ये करना होगा। जब तक इस पे सवाल नहीं करोगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सवाल करेंगे अभी हम काफी सारे। यहां तक समझ में आए? यानी आपको डेटा पहचानना पड़ेगा, ठीक है ना? और ये सिर्फ मैं बता रहा हूं इस तरीके का फॉर्मेट हो तो ये करना। लेकिन क्या हर बार आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस कर दोगे क्या? जवाब है नहीं। जितना पार्ट जुड़ा हुआ होगा उतना लेस करेंगे। सिर्फ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करने का मतलब ये नहीं है कि देखा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और लेस कर दिया। उसमें ये भी आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि कितना पार्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? चलिए तीसरा एक और इसके अंदर कॉन्सेप्ट बन के आता है सर। तीसरा, व्हेन व्हेन मेंबर इज गिवन, जब आपको मेंबर दे दे, जो ये सारी कैलकुलेशन मैं शो करने जा रहा हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, सिर्फ ये बता रहा हूं मैं, ये बिल्कुल भी नहीं बता रहा कि बैलेंस शीट में इतना जाएगा, लाइबिलिटी में इतना जाएगा, एसेट्स में इतना जाएगा। बैलेंस शीट और लाइबिलिटी जब बनाएंगे तो अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और एड ऑन करके बस उसको खत्म करेंगे। जब आपको मेंबर गिवन हो तो बड़ी सीधी सी बात है, आपको कुछ भी दे दे, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। मेंबर इनटू में सब्सक्रिप्शन, मेंबर इनटू में सब्सक्रिप्शन। एग्जाम्पल मैंने कहा टोटल सब्सक्रिप्शन 2 लाख, टोटल सब्सक्रिप्शन 2 लाख इंक्लूड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5,000 एंड क्लोजिंग एडवांस 3,000, 500 मेंबर ईच पे
30 रुपीज ईच पे, 30 रुपीज 500 मेंबर, 500 मेंबर है तो 300 रुपये ईच पेइंग 300, 15 और 4 1.5 लाख, ठीक है ये दे दिया मैंने। यानी सर यहाँ पे आपको ये जानकारी भी है टोटल वाली भी, यानी कुछ इसकी भी जानकारी लग रही है इसमें, लेकिन इसके अंदर की पॉइंट आपको क्या पकड़ना है कि यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, क्या दे रखा है हमें, तो बात ही खत्म हो गया। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मेरे से पूछा जाए ना, तो सब्सक्रिप्शन इज इक्वल टू, बात खत्म, क्या आउटस्टैंडिंग, क्या प्रीपेड, क्या पिछला, क्या अगला, किसी काम का ही नहीं है भैया। मेंबर हमारे अगर 500 हैं, हर कोई 300 देगा, तो टोटल पैसा आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सब 150 से तो ऊपर हो ही नहीं सकता ना, टोटल 1.5 लाख, बात ही खत्म। तो यहां पे आपको दिमाग ही नहीं लगाना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाए। ऐसा पैटर्न गिवन हो तो दो चीजों को ऐड कर देंगे जो जुड़ा नहीं होता, और ऐसा पैटर्न गिवन हो तब ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछने का पैटर्न एग्जामिनर का देखो कि कौन सा पैटर्न बोल रहा है, उसी पैटर्न के हिसाब से हमें जवाब देना होगा। सिर्फ 3 ही पैटर्न हो सकते हैं, एक टोटल गिवन है सर, टोटल यहां भी गिवन है, लेकिन टोटल विदाउट मेंबर गिवन है। अगर टोटल विद मेंबर गिवन है तो इधर वाला कर देंगे, और एक दे रखा है ईयर वाइज, तो ईयर वाइज वाले में बीच जो भी ईयर का बना रहे हैं वो पिक करना है, उसके अंदर दो चीजें ऐड कर देना है, और यहां पे तो सिर्फ मेंबर से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रही है बात आपको? नहीं, ये तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने में हेल्प करेगा। मैम नहीं, क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाता है कि सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करें। अब कोई भी पैटर्न का दे सकते हैं आप, निकाल के दिखाइए, ऐसा भी आ जाता है। इनफैक्ट जब आप 12th क्लास में पढ़ते थे तो कोई भी टाइप आ जाता था इसमें से, सब्सक्रिप्शन से अलग से क्वेश्चन आया करता था 3 या 4 नंबर का, जो कि तय था कि एक पूछेंगे ही पूछेंगे, और उसके ऑप्शन में शायद मेरे को एक क्वेश्चन भी मिल जाया करता था। तो चलिए कुछ एक सवाल देखते हैं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना होगा, आपकी किताब का ही सवाल है ये, आपके बुक का ही सवाल है ये, और इसमें सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई ये कौन से पैटर्न पे सवाल गिवन है। क्या कहता है सवाल में, आपके सामने सवाल है, क्या कहता है इस सवाल में, उसी पैटर्न के हिसाब से सॉल्व करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल असर्टेन द अमाउंट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है सर, सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूडिंग ये, और मतलब 20,000 इसमें जुड़ा हुआ है 15 का, और 15,000 जुड़ा हुआ है कब का, 17 का, और टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हो गया, हमें काम काज करना है 16 के लिए, तो पहले ईयर लिख लो भैया 16 के लिए काम करना है, और ये 15 के भी बातें कर रहा है तो यानी पिछली बातें कर रहा है, और 17 के भी बातें कर रहा है तो यानी अगली बातें कर रहा है। टोटल बताया है इसने, ऐसा नहीं बताया है कि 2016 का ये है, इसने ये तो नहीं बोला है कि 2016 में का ही है सिर्फ, इसने बोला टोटल मिला है 245, जिसमें 20,000 पिछला है और 17,000 अगला है, और सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एंड ऑफ द 2016 इस साल का, यानी क्लोजिंग, नॉट रिसीव का मतलब आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2015 में रिसीव करा, इसका मतलब एडवांस, और वो कौन से वाला, यानी आपको चारों बातें मिल गई है। तो आप इसके अंदर से पैटर्न बताओ, आप सोच के बताओ पहला वाला ज्यादा बेटर है या दूसरे वाला या तीसरे वाला, समझिए बात को। जितने लाइव क्लास में बच्चे हैं वो भी बता दो भाई फटाफट, आप एकदम गुमसुम बैठे हो। हम इसे पहले से भी कर सकते हैं, दूसरे से भी, देखना किसमें कंफर्टेबल, मैं दोनों से करके दिखाऊंगा। बताइए भाई कौन से वाला मेथड, कौन से वाले से जल्दी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड, कुछ बच्चे ऑफलाइन में सेकंड भी कह रहे हैं दूसरा भी कह रहे हैं। चलो मैं तो आपको दोनों से कर दूंगा, फिर आप डिसाइड करना सर ये वाला बढ़िया ज्यादा है। चलिए पहले वाला लगाते हैं,
पहले वाले में। टोटल 245, दो चीजें ऐड, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग एडवांस है सर हमारा और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, और दो चीजें माइनस अगर है तो क्या, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग देखो क्वेश्चन में कहता है, अब यहां से टोटल करके निकाल लेते हैं, टोटल करके निकालते हैं। 245 प्लस 18, 419,000 माइनस 20,000 माइनस 15,000, दैट इज आ गया 247। अब सर बोल रहे हैं कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं सर दूसरे से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप डिसाइड करना है किसमें कम टाइम लगेगा। अब मैं दूसरे से करने जा रहा हूं। दूसरे मेथड का मतलब ये है, दूसरे मेथड का मतलब ये है कि आपको सब्सक्रिप्शन ढेर सारा दे रखा है, उसमें करंट ईयर का पिक करना है। लेकिन इस वाले सवाल में करंट ईयर का नहीं दे रखा, लेकिन निकाल सकते हो। तो पहले आप क्या लिखोगे, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। कैसे करोगे, 245, फिर माइनस करोगे 20,000, फिर माइनस करोगे 15,000। यानी अब ये सब्सक्रिप्शन बनता है हमारा, अब जो ये सब्सक्रिप्शन बनता है करंट ईयर का बन गया ना, क्योंकि 245 में से मैंने पुराना भी हटा दिया और अगला भी हटा दिया, तो अब करंट ईयर का बन गया। तो अल्टीमेटली यहां पे क्या आया हमारे पास, 2 लाख। अब इसके अंदर दो चीजें ऐड करेंगे, क्या क्या ऐड करने वाले हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, दैट इज 19,000 और 18,000। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, है 247, मैंने इससे भी कर दिया, लेकिन इसके अंदर काम तो वही करना पड़ा आपको अल्टीमेटली, बात वही पड़ गया। ये दूसरे वाला मेथड तब इजीली था जब वो हमें खुद ही माइनस करके दे देता, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है ना जो मैंने लिखा है वो खुद माइनस करके दे रहा है, 32 भी दे रहा है और अलग अलग साल का भी बता रहा है। तो मेरे लिए इजी था, इसको पिक किया, दो चीजें ऐड कर लिया। लेकिन जब टोटल दे दे और ये बातें ना बताए तो भैया हमें इस मेथड में चले जाना चाहिए, क्योंकि माइनस यहां भी करना पड़ेगा और माइनस, और इस वाले में जाएंगे तो शायद गलती के चांसेस बढ़ जाए। समझ में आया, चलिए एक और सवाल देखें। चलिए आपके सामने एक सवाल है, अब आपको फैसला करना है, सारी आपकी किताब के सवाल है, जे आर मोंगा बुक के, टेंशन मत लीजिए, हो सकता है मे बी इलस्ट्रेशन हो सकता है प्रैक्टिकल हो। कहता है 2016 में सब्सक्रिप्शन मॉडर्न क्लब के पास इतने रुपए थे, यानी सर ये जो सब्सक्रिप्शन है 20,450, ये टोटल है, क्योंकि इसके आगे शब्द लग गया इंक्लूड, तो भैया इसमें जुड़ा हुआ है तो टोटल ही है। कहता है इंक्लूड 250 रुपए 15 के, हम 16 का काम कर रहे हैं, बोल रहा है 15 के इसमें जुड़े हुए, तो पिछले बार के आउटस्टैंडिंग ही आ गया होगा। कहता है 500 रुपए 2,000, यानी नेक्स्ट ईयर का आ गया, हम 16 का काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा, तो ये नेक्स्ट ईयर का आ गया। इसके बाद अगर हम आगे देखें, एंड 2016 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2016 750, यानी सर 2016 का ही काम कर रहे हैं और 2016 में भी बोल रहा है आउटस्टैंडिंग कितना है, तो ये किसका आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का हो गया। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया नहीं कौन से साल से रिलेटेड है, फिर कुछ नहीं बचता। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द ईयर, जो सब्सक्रिप्शन था ड्यू बट नॉट रिसीव एंड ऑफ द ईयर 31/12/2015, पिछले साल का कितना, वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस सेम ईयर। कहता है भैया पिछले साल का बाकी जो था वो था 400,
पिछले साल का जो बाकी था वो कितना था? 400। तो सर ये भी तो पिछले साल का ही बाकी है, दोनों में फर्क क्या है? टोटल में 400 इंक्लूड नहीं है, टोटल में इंक्लूड कितना है? तो हम जो माइनस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के नाम से, वो हम 400 माइनस नहीं करने वाले, कितना माइनस करेंगे? 250। ये समझ लो पहले ये चीजें। तो सर सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन में इसका तो कोई रोल नहीं है। हाँ आगे बैलेंस शीट में रोल होगा, क्योंकि सर 400 बाकी थे, 250 मिले, तो 150 का क्या होगा? 150 हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, अगले साल मिल जाएगा वो बैलेंस शीट के टाइम पे। कहता है सेम ईयर, सेम ईयर का मतलब 15 में ही एडवांस है। तो आपको यहां पे चारों बातें दिख गई होगी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी दिख गया। हालांकि यहां पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 400 है, लेकिन हमें ट्रीटमेंट में 400 को नहीं लेना, क्योंकि 400 जुड़ा नहीं है। कितना जुड़ा है सिर्फ? तो 250। आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी मिल गया, जो सवाल में साफ साफ कह रहा है, क्लोजिंग आपको एडवांस भी मिल गया और ओपनिंग एडवांस में मिल गया। अब देखो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ना, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग में क्रिएट कर सकता है। क्लोजिंग एडवांस भले ही मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर कट होता, माइनस करो, बात खत्म। और जो दोनों है हमारे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड पिछले और इस साल का, उसे ऐड करते हैं। तो अब इसमें भी कौन सा मेथड से आप इस सवाल को जल्दी सॉल्व कर सकते हो? फर्स्ट वाला जो हमने सीखा है पैटर्न, उस पे कर लें, या सेकंड वाले पे करें, या थर्ड वाले पे? तो पहले वाले पे ज्यादा इजिएस्ट रहेगा, हालांकि सेकंड वाले से कर सकते हैं, लेकिन वहां चांसेस ज्यादा हो जाएगा गलती करने का। तो फर्स्ट वाले मेथड में हम सबसे पहले लिख देते हैं टोटल। सर टोटल रिसीव कितने का था? इसके अंदर हम दो चीजों को क्या करें, क्या क्या? ओपनिंग एडवांस कह लो, प्रीपेड कह लो, और एक क्लोजिंग, और दो चीजों को क्या कर दें, लेस, क्या? ओपनिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपी मतलब ओपनिंग, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग, और एक क्लोजिंग। तो आप मुझे बताइए ओपनिंग एडवांस कितना था, आप बताइए आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने हैं? कहता है अभी भी बाकी है 700। और सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 250 लेना है, ना कि 400। अब यहां पूछा जाए कि यहां बताओ आपका एडवांस कितना था, ये तो क्लियर दे रखा है, बस सर इसको सॉल्व करिए, आपका जवाब मिल जाएगा। इन सभी को अकाउंटिंग फॉर्मेट में करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ रहे हो बात को? कौन से लेजर जो बनाया था, बैलेंस बीडीसीडी, बीडीसीडी पेमेंट, तो इजीली हो जाएगा ये तो। बीस, 450, 900, 750, ये आ गया सर 21। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? इसकी प्रैक्टिस जैसे करोगे ना, तो आपको क्लियर होता जाएगा। अब बताओ ये कौन सा है? ये तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिख दी है इसने, लेकिन हमारा क्या है, हम तो सिर्फ मेन पॉइंट फोकस करके कर लेंगे। सर सवाल में क्या कहता है? सवाल में कहता है कि आपका फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट दे रखा है पेमेंट के लिए, कैलकुलेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर 16 के लिए बनाना है, और कुछ जानकारी गिवन है। कहता है रिसिप्ट हुआ है आपको 15 का, आपको 50,000, 16 का 3 लाख, 17 का, ये यानी अलग अलग डेटा दे रहा है। कहता है आउटस्टैंडिंग 2015 का, भैया 2015 का कितना आउटस्टैंडिंग है टोटल? 60, यानी पिछले साल का 60, तो पिछले साल। इसके बाद कहता है सर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016, यानी ये कौन सी बात कर रहा है? क्लोजिंग का। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 15, यानी कौन सा है? एडवांस। अब पहले सबसे पहले डिटरमाइन ये कर लो कि भैया इसमें कैसे करा जाए। सेकंड वाला लग रहा है, साफ दिख रहा है आपको, अलग अलग डेटा है। और सेकंड वाला जब मेथड आप फॉलो कर रहे हो, तो बड़ी बेसिक सी बात है सर, यहाँ पे तो बस सिंपल सा क्या करते हैं, करंट ईयर का कहाँ गया, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन उठाते हैं हम, और दो चीजें ऐड कर देते हैं, बात खत्म, यही करते हैं ना। चलिए करके देखते हैं इसको। सबसे पहले करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में लिख रहा हूं, करंट ईयर, आप बताइए करंट ईयर का क्या लेंगे? 3 लाख।
क्या इसको पहले मेथड से किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आपको 4 10 लेना होगा, फिर वही चीजें माइनस करना होगा जो चीजें आपको नहीं कर रखा, तो इससे बेटर ये है। इसमें क्या करें, वापस दो चीजों को बस ऐड करने हैं हमें सर। एक क्या करना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और एक क्या करना है, ओपनिंग एडवांस। तो सवाल में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है हमें कितना, 50,000, और ओपनिंग 60,000। बच्चे पूछ रहे हैं सर 250 किस और कैसे तरह की से आए, 250 कौन सी बात कर रहे हैं, पिछले में 250 इसलिए इसमें आए क्योंकि कह रखा था इस वाले में सिर्फ 250 ही जुड़े हुए हैं, तो उसी को सिर्फ सब्सट्रैक्ट करना है। ये 400 भले ही बाकी था लेकिन जुड़ा हुआ तो नहीं है ना उसमें, 400 सिर्फ जुड़ा हुआ कितना है, 250 हिस्सा, तो 250 का ही रखेंगे। चलिए एक और सवाल। अब इसके मतलब के सिचुएशन देख के ही लग रहा होगा भैया ये किससे होगा। कहता है 31 मार्च 18 के लिए कामकाज करना है और द सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय द आपका कौन है, जयपुर लाइब्रेरी सोसाइटी ने सब्सक्रिप्शन ये रिसीव किया, तो मतलब ये टोटल है, और दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 फॉर द ईयर एंडेड 17, यानी पिछले साल का इसमें जुड़ा हुआ है। 31 मार्च 18 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, यानी सर ये अभी मिला ही नहीं है इस साल का आउटस्टैंडिंग। व्हाट द अमाउंट शुड बी क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 सब्सक्रिप्शन, आंसर दे रखा है। चलो आंसर तो मैच कर लेंगे वो, तो पहले वाले मेथड है ये, है ना, क्योंकि इसमें अलग अलग ईयर वाइज डेटा भी नहीं है और मेंबर भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हम कैसे करें इसको, तो हम टोटल लिख लेंगे, टोटल सब्सक्रिप्शन सर 4 लाख, और इसके अंदर जो दो चीजें ऐड करते थे उसकी जानकारी नहीं है, ना तो हमारे पास ओपनिंग एडवांस है ना ही हमारे पास क्लोजिंग एडवांस, सॉरी ओपनिंग एडवांस है ना ही हमारे पास, नहीं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग तो है, और एक जो क्लोजिंग एडवांस होता है वो भी नहीं दे रखा ना सर, नहीं दे रखा। बस इसमें कहता है कि इसके अंदर इंक्लूड है क्या सर, पिछले साल का, यानी ओपनिंग कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव लाइब्रेरी, यहां से लाइन ध्यान से पढ़ो, दीज मतलब ये इंक्लूडेड सब्सक्रिप्शन 14,000, भाई इसमें 14,000 जुड़ा हुआ, अब दिमाग लगाओ कौन सा का, रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, 17 का जुड़ा हुआ है सर। हम काम काज कब का कर रहे हैं, 18 का काम काज कर रहे हैं, तो जुड़ा हुआ कब का है, 17 का। इसकी का क्या काम है, तो भैया सिंपल सी बात है, यहां पे जो दे रखा है ना 14,000, 14,000 इसमें जुड़ा हुआ है लेकिन ये बिलोंग्स करता है 2017 से, तो ये तो आपको तय करना पड़ेगा कि भैया ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, आउटस्टैंडिंग है एडवांस है। अगर आपको मैं अभी पैसा ले रहा हूं और मैं बोलू इसमें पिछला भी जुड़ा हुआ है तो आउटस्टैंडिंग वाला ही जुड़ा होगा, और मैं बोलू अगला जुड़ा हुआ तो एडवांस वाला जुड़ा होगा, ठीक है। तो सर यहां पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है जिसे माइनस कर देना चाहिए हमें 14,000 रुपए, और कहता है सब्सक्रिप्शन अभी रिसीव ही नहीं किया सर 10,000, तो ये हो गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दैट इज 10,000 रुपीज, तो एक ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस करके 4,000 नेट में माइनस कर देते हैं तो 4 लाख। और भी कुछ है क्या, ये 76 क्यों लिख रहा है, 4,16,000 आंसर में गड़बड़ी, और कुछ तो नहीं है ना, ये 16 है, 4,20 है ना, ठीक है, पता ही कोई दिक्कत। अब एक बार आप समझ लो ध्यान से कि मैंने किन चीजों को ऐड किया है, किन चीजों को लेस किया है। सर मेथड पहले वाला जरूर लगा लिया है लेकिन सर कहानी तो घूम फिर के वही आ गई ना, कि पहले वाला मेथड लगाने के बावजूद इसमें दो ही चीज ऐड हुए हैं, लेकिन हम तो चार चीजें करेंगे, तो भाई जो जानकारी नहीं है उसको जीरो मान लो, मन की तसल्ली के लिए यहाँ पे दो चीजें लिख दो, एक लेस और एक ऐड, वहां पे जीरो लिख दो है ही नहीं, तो ये चीज रहेगी। समझ में आ रही है बात आपको, बता दो किसी को कोई डाउट, क्लियर है यहां तक। अब ये बताओ कौन सा है, आपको बस पहचानना आना चाहिए।
ये पिक करेंगे, इसके बाद आप यहां से ढूंढ के निकालोगे, और ये थर्ड, यानी बहुत सारी जानकारी है, लेकिन मेंबर देते ही सारा काम खत्म। मेंबर देते ही क्या होगा हमारा, कहानी खत्म हो गई। समझ में आया? यानी सर ये तीसरा जो पैटर्न आपको बताया था ना कि ये वाला तब लगाना जब आपको क्या गिवन हो, मैं तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको दिखाता जा रहा हूं और करता भी जा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपको बड़ी जानकारी भी दे दे और मेंबर भी दे दे तो काम ही आपका आसान हो गया। अब सब कुछ छोड़ो, मेंबर से मल्टीप्लाई करो। सब आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पूछा है कितना शो करना है, सर यही शो होगा, आंसर देख लो ना। अब आपको लगता है कि सर ये आंसर मैच भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो फिर आपकी दिक्कत है। चलिए सर, अब देखिए ये सवाल वैसे ही देखने से ही पता चल रहा है ये पहला वाला ही होगा। कहता है इन द ईयर 31 मार्च 2018 सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय किंग क्लब दिल्ली, ये इंक्लूड 5,000 रुपए ईयर पिछला साल, 10,000 रुपए ईयर अगला साल, एट द एंड ऑफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 2017, ये रहा, वाइल द सब्सक्रिप्शन रिसीव 18,000, कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन। अब जो जो जानकारी दे रखा है मैं यहां लिख देता हूं, फिर आप फैसला करना। टोटल दे रखा है, टोटल दे रखा है, इसमें कहता है इंक्लूड है लास्ट ईयर 5,000 एंड नेक्स्ट ईयर, मैं नेक्स्ट ईयर लिख देता हूं क्योंकि मैंने पढ़ लिया है, आउटस्टैंडिंग फॉर 2018 आउटस्टैंडिंग फॉर 2016 एंड एडवांस इन 2016, ये जानकारी है। अगर मैं इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई करूं ना इस जानकारी को, तो हमारे ये जानकारी दे रखा है, पहले देख लो। हाँ मैंने भी लिखा है 8,000 2017, नहीं कहता 2017 हमारा कौन सा साल है, हमारा 18, अच्छा 17 आउटस्टैंडिंग, हाँ ठीक है 17, और ये भी 17 आया, दोनों 17 17, समझ में आया? अब फर्स्ट वाला ही पैटर्न लगेगा, यहां पे भी दो दो आउटस्टैंडिंग है, एक ये भी आउटस्टैंडिंग है पुराने पिछले साल के, दो आउटस्टैंडिंग है, एक तो ये 2017 क्योंकि हम कामकाज 2018 का कर रहे हैं तो 2017 का दे रहा है, और इसके अंदर जो इंक्लूड है ये भी 2017 का ही है, तो आपको दो दो आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं 2017 के, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दो दो अमाउंट है, तो आपको कौन सा अमाउंट इसमें से माइनस करना है वो आपको डिसाइड करना है, जो उसके अंदर, तो दैट इज हमारा 8,000 तो नहीं है इंक्लूड, इंक्लूड कितना है जो कि यहीं पे बोला है, तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके लिख लिया मैंने। अब देखिए फटाफट आंसर इसका, टोटल 4,00,000, दो चीजें ऐड, दो चीजें लेस, ऐड होगा ओपनिंग एडवांस, ऐड होगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, लेस होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस हो जाएगा आपका क्लोजिंग एडवांस। तो बड़ी सीधी सी बात है, ऐड करने वाली बात करें तो एक तो 2018 ओपनिंग क्या है हमारा, ये एडवांस यानी, और ये तो होगा नहीं, और ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है हमारा करंट ईयर का, तो ये 15, इसमें से माइनस हो जाएगा ओपनिंग
और 10,000 मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप बाकी मैच कर लें। 15 15 0 18 4 27। देखिए आप एक बार चेक भी कर लेना क्या क्या अमाउंट कैसे पिक किया है, जो हमने सीखा है वैसे ही किया है या फिर बीच में कुछ अलग है। बताइए आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। और ये बहुत अच्छे से तब आ जाएगा जब इस सारे सवाल को आप खुद भी करोगे बिना बिना देखे। जब खुद प्रैक्टिस करो एक तो सॉल्यूशन मिल गया, और जो सोचेगा ना अरे आ गया था क्या करना है कल की क्लास में बैठ जाएंगे, उस बच्चे का चैप्टर गया, ये गया उस बच्चे का चैप्टर। एक और सवाल, पैटर्न दिखा रहा हूं मैं आपके, स्टाइल दिखा रहा हूं एग्जामिनर के सवाल के। देखिए अब बताओ कैसा आएगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्रेडिट टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ईयर एंडेड दे रखा है। सब्सक्रिप्शन एरियर, एरियर का मतलब भी आउटस्टैंडिंग होता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस मतलब प्रीपेड होता है। और यहाँ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख, कौन सा वाला पैटर्न लग रहा है? बताइए, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो भी बता दे कौन सा पैटर्न लगेगा, ये थोड़ा सा हटके है। कितने बच्चों को थर्ड लग रहा है? थर्ड लग रहा है। लाइव में बच्चों ने जवाब दिया फर्स्ट। सेकंड का क्या है कि आपको ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन देना चाहिए, रिसीव वाला, दैट इज नॉट रिसीव, ये तो एरियर और आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। तो कौन से वाला लग रहा है अब? फर्स्ट में टोटल दे दिया, अब वही कहानी, आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग लेस, प्रीपेड एड, प्रीपेड लेस। अब आपको डिसाइड करना है क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है। चलिए इसके भी आंसर को देख लेते हैं। सर टोटल कितने रिसीव हो गए? अब इतने करने के बाद ना आपको तो क्लियर हो जाना चाहिए, बस सर ये माइनस प्लस कराओ, फटाफट आ गया। अब ऐड क्या होगा सर? ऐड हो जाएगा हमारा, एक तो हो जाएगा हमारा क्या क्या ऐड, ओपनिंग वाला क्या एडवांस, और एक हो जाएगा क्लोजिंग वाला। तो एडवांस ये रहा ओपनिंग वाला, और क्लोजिंग वाला एरियर कौन सा है? ये है, यानी 30 और 5, तो 30 और 5, और लेस हो जाएगी बाकी की दो चीजें, कौन सा? क्लोजिंग एडवांस और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है हमारा 50 और एडवांस है हमारा क्लोजिंग 70, तो आपका 80 70 40, कौन सा जो ये 5,000 लिखा है? 25 है। चलिए तो 25 5 30 कितना बन रहा है? ये 30,000 है। ओके माइनस 1 20, अब देखो मैं तो इसको बस एड लेस करके दिखा रहा हूं। एग्जाम में अगर इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉपर वर्डिंग लिखना होगा, एड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस क्लोजिंग एडवांस पूरा लिखना होगा प्रॉपर, सिर्फ इस बेस पे आता है। लेकिन आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर ये, तो आप कहीं भी माइनस प्लस फटाफट, अब माइनस प्लस भी करके कर सकते हैं। मैं चाहूं तो क्या करता, 3 लाख में फटाफट दो आइटम ऐड। कुछ बच्चे देखो जब जल्दी करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 लाख और ये दोनों ऐड होगा, 55,000 ऐड करो और ये दोनों माइनस होगा, 1 20 माइनस करो, फटाफट लिख दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो उसके लिए इतना दिमाग नहीं लगाना, लेकिन वो ही कर सकता है इस चीज को जिसको पूरा, और जिसने नहीं सीखा है वो फिर उसी में उलझ के रह जाएगा और फिर भी गलती कर देगा कुछ ना कुछ। समझ में आ रही बात आपको? ओके चलिए, अब इसमें बहुत सारे केसेस हैं। चलिए अब एक सवाल नहीं है ये आपके लिए, चिंता मत करो। एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, चार सवाल, पांच सवाल है ये, ठीक है? हाँ
ये पांच सवाल है, हर किसी को अलग अलग ट्रीट करना है, ये मत सोचना इतना बड़ा कैसे करेंगे भाई, इतना ही समझना है इसमें। इसके अंदर ये वाला दिमाग मत डालना, इसको पढ़ रहे हो तो इसी कैटेगरी को पढ़ना है, ये पढ़ रहे हो तो इस कैटेगरी, सबके आंसर भी है। चलिए अब एक सवाल ये है, अभी दे रहे हैं रुक जाओ। वो जो टेलीग्राम का ग्रुप बनाया था जिसका ऑफलाइन वाले बच्चों का, उसका तो मिल जाएगा। अब फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, इस क्वेश्चन को अभी रहने दे, कुछ मिसिंग हो गया शायद। यहां तक तो इसने आंसर दे दिया, इसके नीचे कुछ मिसिंग तो नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है। हाँ देखो, एक क्वेश्चन ये है 13 और यहां से एक क्वेश्चन स्टार्ट है 14, यानी इसमें दो क्वेश्चन मर्ज हो गए। आप इसको ऐसे मत समझना कि पूरा एक क्वेश्चन है, यहां तक एक क्वेश्चन हो गया, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो गया कि 85 मिले जिसमें एडिशनल आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग बोल रखा है, ठीक है। यहां तक ये एक सवाल है, इसके बाद ये दूसरा सवाल स्टार्ट हुआ है। आंसर पहले सवाल का हो गया ना ये, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल ये है, इस पे बता दो कौन सा मेथड लग रहा है। कहता है हाउ द फॉलोइंग सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, बताओ कौन सा मेथड लगेगा। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट लगेगा। कुछ बच्चे ऐसे ना समझे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड का मतलब ये इसी साल के लिए है, अगर इस साल के लिए होता तो वहां लिखा होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब इस साल के लिए। हम एक सवाल इसमें भी आएंगे जहां पे एट द एंड ऑफ द ईयर और फॉर द एंड ऑफ द ईयर के लिए होता है, जहां आउटस्टैंडिंग का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा बीच में, तब हम देखेंगे। क्लियर है? तो मैं समझ पाऊं जहां तक कि आप यहां तक के दो तीन, ज्यादा सवाल दिए नहीं है मैंने, कितने सवाल दिए हैं, दो और तीन चार वहां पे और एक ये, जो कि फटाफट से हो जाएगा। तो कल की क्लास 11 बजे रखते हैं सर, 11 बजे वाली क्लास में इसके कंटिन्यू के क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। और जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम अगर सब्सक्रिप्ट स्टार्टिंग में चले तो कहां तक हम पहुंच चुके हैं अपने इंडेक्स के अकॉर्डिंग, इंडेक्स के अकॉर्डिंग। कल रजिस्टर भी चेक कर लेंगे, मुझे डाउट है ऑफलाइन वाले बच्चे लिख नहीं रहे। ये था स्टॉक कंज्यूम सब्सक्रिप्शन, ये भी हो चुका है हमारा स्टॉक कंज्यूम, है ना, देखा जाए तो। और ये भी हो गया फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गया। अब ये वाला करेंगे फिर ये फिर ये तो बड़े आसान आसान से हो जाएंगे। मेन अगर आपको इन्फॉर्मेशन क्या है, मैं बोलूंगा खर्चे में सैलरी डाल दो तो लिख दोगे आप, फिर टैली करना सीखेंगे, बस ये तीनों हो गया, अब ये जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट वाला ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।